ये अखंड ज्योति है, हम सभी इसी अखंड ज्योति से उत्पन्न हुए हैं, इसी को हम ईश्वर, परमेश्वर और आत्मा परमात्मा कहते हैं। हमारे गुनाहों को ईश्वर क्षमा करता है और समय आने पर हम सबको अपनी ज्योति में समाकर अपनी शरण में ले लेता है। ईश्वर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक समान प्रेम करता है। ओम कहो। अल्लाह कहो। अल्लाहु अकबर। वाहे गुरु नानक कहो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। या यीशु मसीह कहो। ईश्वर के रूप अनेक हैं, परंतु है एक ही ज्योति। सभी धर्म इसी अखंड ज्योति में ही समाए हैं। ये है गीता, ये है गीता, ये है गीता, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान, ये है ग्रंथ प्यारा। बाइबल हमारी जान, हमारी जान, हमारी जान। एकता में है बंधे, एकता में है बंधे, चारों ही नाम महान है, महान है, महान है, महान है, महान। मैं समय हूं, मेरी धारा कभी रुकती नहीं, मैं चलता ही रहता हूं और मेरी धारा के साथ साथ धरती पर भी परिवर्तन होता ही रहता है। अनंत काल से धरती तक सुनो, सुनाने आए हैं नट और नटनी कि किस प्रकार ईश्वर ने इस सुंदर धरती की रचना की। जब दुनिया नहीं थी, कोई नहीं था, जब दुनिया नहीं थी, कोई नहीं था, ना धरती थी, ना अंबर था, ना कोई पीर पैगंबर था,
ना कोई पीर पैगंबर था, ना कोई पीर पैगंबर था, ना कोई पीर पैगंबर था, ना कोई पीर पैगंबर था। ना सूरज चांद सितारे थे, ना दिखते कहीं नजारे थे, बस चारों ओर अंधेरा था, खामोशियों का डेरा 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 था। बस परम पिता परमेश्वर है उसका लौकिक उसका घर, परमेश्वर निराकार है, कोई रूप ना आकार है, वो तो है केवल आत्मा, वही आत्मा परमात्मा, उसने ही जगत रचाया है, उसी की सारी माया है, उसी की सारी माया है, उसी की सारी माया है, की सारी माया है, उसी की सारी माया है। सबसे पहले है पृथ्वी, ईश्वर ने आकाश बनाया, पेड़ पौधे और फूलों से पृथ्वी को है सजाया, पृथ्वी को है सजाया, सुंदर पृथ्वी को है सजाया, सुंदर पृथ्वी को है सजाया, सुंदर पृथ्वी को है सजाया। सागर नदियां और पर्वत जीव जंतु और पशु भी, देखो धरा पर लगे बिचरने, 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 देखो धरा पर लगे बिचरने। उड़ने को आकाश पर रंग बिरंगे पक्षी बनाए, उड़ने को दी इनको शक्ति, सुंदर इनको पंख लगाए, सुंदर इनको पंख लगाए, सुंदर इनको पंख लगाए, सुंदर इनको पंख लगाए, सुंदर इनको पंख लगाए। दिन में हो प्रकाश, ईश्वर ने सूरज को बनाया, आकाश पे चांद सितारों को ईश्वर ने कैसा है सजाया, 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 ईश्वर ने कैसा है सजाया। अंधेरे और प्रकाश को उसने अलग अलग है किया, इसीलिए तो रात दिन ईश्वर ने है नाम दिया, 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 ईश्वर ने है नाम दिया। बहुत सोच कर ईश्वर ने नर और नारी को है बनाया, उनके रहने के लिए उपवन सुंदर है उपजाया, उपवन
उपवन सुंदर है उपजाया, उपवन सुंदर है उपजाया, उपवन सुंदर है उपजाया, उपवन सुंदर है उपजाया। नर को पुरुष और नारी को स्त्री का नाम दिया, मानव जात बना करके ईश्वर ने सुंदर काम किया, 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 ईश्वर ने। जब ईश्वर ने सुंदर सृष्टि की रचना की, तब ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और उनको एक सुंदर वाटिका में रखा। उनके खाने के लिए वाटिका में स्वादिष्ट फल भी लगाए और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उत्पन्न की। परंतु उस वाटिका में एक भले बुरे ज्ञान का पेड़ भी था। ज्ञान के पेड़ के फल खाने को ईश्वर ने नर नारी को मना किया था। परंतु एक दिन उस वाटिका में शैतान आया। शैतान, क्या तुम्हें ईश्वर ने भले बुरे ज्ञान के पेड़ का फल खाने को मना किया है? हाँ, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, परंतु ज्ञान के पेड़ का फल खाने की हमें आज्ञा नहीं है। ये ईश्वर का आदेश है। अगर हमने ज्ञान के पेड़ का फल खाया तो हम मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम कभी नहीं मरोगे। इन फलों को खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम लोग ईश्वर की तुलना में आ जाओगे। तुम दोनों को इस पेड़ के फल अवश्य ही खाने चाहिए। शैतान के कहने पर नारी ने उस फल को खा लिया। शैतान के कहने पर खाया और पास खड़े उस नर को भी खिला दिया। खुद खाया और पास खड़े उस नर को भी खिला दिया। दोनों को ज्ञान हुआ संपूर्ण सृष्टि का। अब दोनों को ज्ञान हुआ संपूर्ण सृष्टि का।
पाप करके वो पछताए, हाय हमने क्या किया। पाप करके वो पछताए, हाय हमने क्या किया, हाय हमने क्या किया, हाय हमने क्या किया, हाय हमने क्या किया। हे नर और नारी, तुम दोनों ही इस धरती पर मेरी सुंदर रचना हो, परंतु तुम दोनों ने ज्ञान के पेड़ का फल खाकर मेरे आदेश का पालन नहीं किया। इस कारण अब तुम दोनों सांसारिक बंधनों में बंधकर अपना जीवन गुजारोगे। सुख दुख तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे जीवन में आएंगे। जीना मरना ये अटल विधान रहेगा सृष्टि का। ईश्वर ने कहा, जो इंसान मुझे तथा मानव जाति से प्रेम करेगा उसी का जीवन साकार होगा। और तुम सुनो शैतान, तुम्हारी और मानव जाति में हर पल शत्रुता रहेगी। बस्ती या फिर निर्माण
समय के साथ अलग अलग धर्म, मजहब और जात पात के मतभेद पैदा हुए। हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिदें, सिखों के गुरुद्वारे, ईसाइयों के गिरिजाघर, ईश्वर दयालु है, वो सब धर्मों के मानव को एक समान प्रेम करते हैं। परंतु इंसान ईश्वर को भूलकर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता जा रहा है। खुदगर्ज, बेईमान, धर्म के ठेकेदार, ऊंच नीच, मजहब और जात पात के नाम पर शैतान लोग एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं, पैसों के लिए धरती पर खून बहाते हैं। मुझे पानी पिला दो। मुझे क्षमा करना, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। परंतु क्यों? मैं नीच जात की हूं। नहीं, तुम नीच जाति की नहीं हो। इस संसार में सब मानव एक समान हैं। ईश्वर ने किसी को भी छोटा बड़ा नहीं बनाया। छोड़ो ऊंच नीच के भेद को, प्रेम के भेद को जानो। कहाँ से आया? भाईचारे की डोर में बंध कर मानव से प्रेम बढ़ाओ। भाईचारे की डोर में बंध कर मानव से प्रेम बढ़ाओ। फिर देखो ये धरती का जीवन, स्वर्ग का सुख तुम पाओ। स्वर्ग का सुख तुम पाओ। स्वर्ग का सुख तुम पाओ। स्वर्ग का सुख तुम बचाओ। मैं पापा नहीं हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारिए, बचाओ बचाओ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाप नहीं हूँ, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। आप सब लोग इस अबला को पत्थरों से क्यों मार रहे हैं? ये औरत दूसरा है। हाँ, ये डैन है, ये कम करती है, पापी है, इसे मारिए, मारो इसे, मारो, मारो, ये कम करती है, पापी है। ठीक है, अगर ये नारी दुष्ट पापन है तो इसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, परंतु इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन काल में कभी कोई पाप ना किया हो। गुजरते समय के साथ साथ संतान भी अब खुद गर्ज और मतलब परस्त होने लगी। तेरी बेटा तुझको गोद
बूढ़ी माँ हूँ तेरी, बेटा तुझको गोद में पाला, हर एक रात को दुआ है मांगी जब जब तू है रोया, हर एक रात को दुआ है मांगी जब जब तू है रोया। गीले पर मैं खुद सोई निभाया, जीते जी मार चला, पुत्र धर्म कैसा निभाया, जीते जी मार चला, कौन देगा आग हमको, कैसे तू पर देश चला, कौन देगा आग हमको, कैसे तू पर देश चला, कैसे तू पर देश चला, कैसे तू पर देश चला, हे इंसान याद रखना, मां बाप का दिल जो दुखाता है उसे ईश्वर भी क्षमा नहीं कर पाता है, वो जीवन भर ठोकरें ही ठोकरें खाता है।
ईश्वर का कोई डर नहीं, पाप पुण्य का कोई खौफ नहीं रहा इंसान को। दहेज की खातिर अपनी ही बहू को जलाने लगा। हाय मैं मर गई, हाय मैं जल गई, पापी लोगों ने मुझे जला दिया, बचाओ बचाओ कोई बचाओ, हाय मैं जल गई, हे राम मैं जल गई, हाय माँ मैं मर गई, मैं जल गई, दहेज के लालची लोगों ने मुझे जला डाला, मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, मैं मर गई, हाय हाय मुझे मार बचाओ, हाय मुझे कोई बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर गई, मैं जल गई, मुझे बचाओ। देख बेटी की लाश को माँ बाप सुध बुध भूल गई, देख बेटी की लाश को माँ बाप सुध बुध भूल गई, धीरज कौन बंधाए, बेटी है जिनके मर गई, धीरज कौन बंधाए, बेटी है जिनकी मर गई, दहेज की खातिर पापियों के हाथों में देखो वो जली, दहेज की खातिर पापियों के हाथों से देखो वो जली, पापियों के हाथों जली, तरस ना आया पापियों को, इंसानियत ही भूल गई, तरस ना आया पापियों को, इंसानियत ही भूल गई, देख बेटी की लाश को माँ बाप सुध बुध भूल गई, माँ बाप सुध बुध भूल गई, माँ बाप सुध बुध भूल गई। ऐ लालची इंसान, ईश्वर को पहचान, नहीं तो एक दिन अपने ही पाप की आग में जल जाएगा। ईश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, सब धर्मों के मानव को प्रेम करते हैं, और प्रेम में ही मानव जाति का कल्याण है। भ्रष्टाचार यूं बढ़ा, भ्रष्टाचार यूं बढ़ा, नारी शोषण होने लगा, तुम मेरे हाथ में नहीं बच सकती, लूटपाट बेईमानी से खून खराबा होने लगा, खून खराबा होने लगा, खून खराबा होने लगा, लूटपाट बेईमानी खून खराबा, चोरी डाका रिश्वतखोरी, चोरी डाका रिश्वत खोरी का ही बोल बाला हुआ, चोरी डाका झगड़े बड़े फसाद हुए, नेकी का दीवाला हुआ, नेकी का दीवाला हुआ, नेकी का दीवाला हुआ, झगड़े सहार बेईमानी नेकी का दीवाला हो गया, ठेकेदारों की जय जयकार हो गई, बेईमानों की जय जयकार होने लगी,
ईश्वर भक्ति छोड़ दी, नियत खराब हो गई, नियत खराब हो गई, नियत खराब हो गई। चांद है ईश्वर भक्ति छोड़ दी, बेईमानी की ओर ही और बढ़ता गया, नशा किया और जुआ खेला, अकल भी मारी गई, नशा जुआ। खुदगर्जी के दलदल में धोखे की आदत पड़ गई, धोखे की आदत पड़ गई, धोखे की आदत पड़ गई, धोखेबाजी धोखेबाजी। जमीन और जायदाद के बंटवारे भी होने लगे, जमीन जायदाद के बंटवारे भाई भाई से लड़ने लगे, बीज नफरत के अपने रस्ते में बोने लगे, रस्ते में बोने लगे, रस्ते में बोने लगे। इंसान ने अपने ही हाथों से नफरत के बीज बो दिए, भाई अपने भाई से बेईमानी करने लगा, बेईमानी भाई भाई से बेईमानी, मूर्ख अंधविश्वास की खाई में गिरने लगा, खाई में गिरने लगा, खाई में गिरने लगा। धोखेबाजी बेईमानी रिश्वत खोरी, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा कि लोग भ्रष्ट हो गए, हर काम के लिए पैसा, हर काम के लिए पैसा। नैतिक मूल्य धीरे धीरे सारे नष्ट हो गए, सारे नष्ट हो गए, सारे नष्ट हो गए। इस समय धरती पर अहंकार मची है, अहंकार। इतना सब कुछ देख कर देखो पृथ्वी रो पड़ी, देखो पृथ्वी रो पड़ी, देखो पृथ्वी रो पड़ी। Oh,
जंग सरहद पर होती है, जब जंग सरहद पर होती है, चलती है जब उग्रवाद की गोलियां, चलती है जब उग्रवाद की गोलियां। जात पात मज़